हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी। जीवन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरकास्ट टीवी। खबरकास्ट का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि आप जोगिंद्रनगर क्षेत्र के हर कोने की खबर आप जनता के बीच में ला रहे हैं, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप काथला में हैं और जिस तरह से गांव वालों ने जो है अपने जेब से धन खर्च करके ये सड़क बनाई है, और गांव वाला का ये भी कहना है कि जीवन ठाकुर जी ने उनकी सरकारी जितनी भी मदद हुई है सरकार से आपने करवाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले यहाँ के महिला मंडल के सभी सदस्यों को और यहाँ की प्रधान नीलम कुमारी को, भाई रेवत जो यहाँ के युवा है गाँव के, और उप प्रधान भाई राजकुमार जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन लोगों के सहयोग से, इनकी जो इच्छा थी कि इस रोड को हम बनाएंगे जैसे भी बनाएंगे, तो इन्होंने एक कदम बढ़ाया और एक कदम मैंने इनके साथ दिया, क्योंकि रोड तो लगभग ये बना चुके थे पर इसमें जैसे पुली की मदद की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे जो कलवर्ट पाइप्स हैं वो मैंने एक्सम साहब को बोल करके उसका अरेंज किया, और उसके साथ साथ मैं आपके खबर खास के माध्यम से सभी गांव वालों को ये इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये मेरे पास मिलने आए उसी दिन मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को कहा, और उसके दूसरे दिन 1,00,000 रुपया डिप्टी कमिश्नर महोदय ने इस रोड के लिए और स्वीकृत कर दिया है। बहुत बढ़िया जी। मुझे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ के अगर बात करें तो 75 वर्ष जो है बीत चुके हैं, लेकिन शहर से बहुत नज़दीक ये गांव है जहाँ पे आज सड़क बनी है, और आपके प्रयासों से और गांव वालों की मदद से ये सड़क बनी है, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये काम जिस तरह से आज तक नहीं हो पाया, और ऐसे कई इंटीरियर इलाके हैं जहाँ तक सड़कें नहीं हैं, उन लोगों का क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कितने वो लोग माने कि जीवन जी उनकी भी कितनी सहायता कर सकते हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि, और ये बात आपने ठीक कही कि ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल एडजेसेंट ये गांव है, लेकिन सड़क सुविधा से वंचित था। मुझे खुशी है कि महिलाएं इतनी जागरूक हैं, युवा लोग इतने जागरूक हैं, इन्होंने यही बात कही थी जो आपने कही, मेरे घर आकर के ये बात कही थी कि हम पास रहते भी दूर हो गए हैं, मतलब शहर के पास रहते भी दूर रह रहे हैं, तो इच्छा शक्ति किसी की अगर हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के खरौन गांव में गया, वो गांव भी सड़क से वंचित है, वहां पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे सड़क पहुंचे। उस गांव में 4 अपंग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, एक माता की एक पिताजी समान हैं, उनकी टांगे नहीं है, बैसाखी के सारे वो आधा पौना पौना किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी गांव जो सड़क से दूर हैं, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, हम उनके सिपाही हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हम जोगिंद्रनगर से भी स्टार्ट करें। तो मैं उन रिमोट गांव में गया जहां सड़कें नहीं हैं, जहां लोगों को बहुत सड़कें, पानी, ये भी व्यवस्था अभी अधूरी है, तो उन गांव को हम सड़कें पहुंचाएंगे ताकि व्यवस्था परिवर्तन जो है वास्तव में हम लाएं। और दूसरा, एक चिट्टे का जो चला हुआ है, ये भी मैंने महिला मंडल से बात की, जो जोगिंद्रनगर पिछले 5 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त इतना ज़्यादा यहाँ पे नशे का प्रचलन हुआ, तो हम चाहेंगे कि अब इस नशे को हम कैसे रोकें, ये सब मैं महिला मंडल के सदस्यों से भी और युवा साथियों से भी, पंचायत के प्रतिनिधियों से भी, भाई राजकुमार जी यहाँ हमारे साथ हैं, तो मैं सबसे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप आगे आएँ, ताकि जो हमारी जो आगे बच्चे हैं, ये कहीं जो हम ये सड़कें बना रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये इन सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाएंगे जब अगर हम इस नशे को नहीं रोक पाएंगे। और ये थे जीवन ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात और मैसेज दिया है, और जिस तरह से सड़क आज यहाँ पे बनी हुई है, काफ़ी सहयोग इनका है, हम स्थानीय गांव वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना सहयोग वो इनका मानते हैं, और जिस तरह से इन्होंने चिट्टे की बात की है, नशे की बात की है, वाकई एक सराहनीय कदम हम इनका कह सकते हैं, क्योंकि समाज में जो है वो कुरीतियाँ इस तरह की फैल रही हैं, और खासकर नशे की बात करेंगे तो नशा जो है अभिशाप हमारे समाज के लिए बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें नकेल और लगाम लगाना बहुत ही अति आवश्यक है। और कुछ महिला मंडल की महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ महिला मंडल प्रधान जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट जी। क्या नाम है, सबसे पहले अपना परिचय? मेरा नाम नीलम ठाकुर है और मैं प्रगति महिला मंडल काथला से हूँ।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आज क्योंकि आपकी सड़क बनी है? सभी गांववासी और सभी मेरी बहनें बहुत खुश हैं कि पहले रोड तो था लेकिन गांव से काफी दूर था तो हमें बड़ी दिक्कतें होती थी। जैसे हम लोग अगर कुछ सामान लाते थे तो गाड़ी तो आती थी लेकिन आधे रास्ते में रह जाती थी, फिर हमें पैदल ले जाना पड़ता था सिर में या पीठ में उठा के, तो बड़ी दिक्कत होती थी। आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे गाँव में रोड पहुँच गया और ये सभी गाँव वासियों की बदौलत और भाई जी ने, जो जीवन भाई जी ने जो हम लोगों की पुली के लिए इसके लिए किया और 1,00,000 रुपया जो उन्होंने दिया इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे सभी गाँव वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी ज़मीन दी और यहाँ से रोड निकाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि गांव वालों की काफ़ी इसमें रोल है और जिस तरह से जीवन ठाकुर जी का रोल अहम रोल है। कुछ अन्य महिलाएं हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है दूसरा? कमला। क्या बोलना चाहे सड़क मिली है? बढ़िया है, बड़ा सड़क अच्छा मिली, अच्छा हुआ है। हाँ जी। क्या मानना है, अब जब तक देश आजाद हो रहे हो 75 साल हुई है, जो रोड नहीं बना थी क्या पता होना सा, क्या पता अनपढ़ आदमी से नहीं बने आज तक। आज जब बने था आज की हुई आज जी, चलो बन गया, आजादी मिली है आज। चलिए जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और जिस तरह से पल पल की अपडेट के लिए बने रहे खबरकास्ट टीवी से। और हम आपको काथला गांव से जो कि जोगिंद्रनगर से बिल्कुल स्टीक है, यहां से आपको लाइव जानकारी दे रहे हैं। तो खबरकास्ट टीवी के लिए मनीष ठाकुर और मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।